मेरे को सच्चाई में वो यही पोस्ट ऑफिस है जहाँ राम तिरंगा मेलम की शूटिंग हुई थी। तो हम अब जाने वाले उस जगह पर। हर हर महादेव, जय शिव शंकर। आप इस शिलालेख को पढ़कर हर्षिल के बारे में जो जानकारी चाहिए वो आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो आइए अब आपको मिलवाते हैं राज कपूर साहब और राजीव कपूर जी से, जो यहाँ पर आज भी अपनी यादों के जरिए जिंदा हैं। इन्होंने यहाँ पर एक फिल्म की शूटिंग की, राम तिरंगा मैले फिल्म की शूटिंग की थी, जिसके लोकेशन आज हम आपको इस वीडियो में दिखाने वाले हैं। दोस्तों, फिर से स्वागत है आप सबका हमारे न्यू वीडियो में। और इस वक्त हम पहुंच चुके हैं उत्तराखंड के हर्षिल में। हर्षिल वो जगह है जहां पर राम तिरंगा मैले फिल्म की शूटिंग हुई थी, राज कपूर की सबसे फेवरेट सबसे सुंदर जगह है ये हर्षिल। आइए संपूर्ण वीडियो देखना, वीडियो बहुत ही प्यारा है। और जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, मैं निकला हुआ हूँ चार धाम की यात्रा पर। और चार धाम की यात्रा में से हमने पहले दिखाए, दर्शन कराए आपको यमुनोत्री धाम के, और अब हम निकले हुए हैं गंगोत्री धाम के लिए। और मैंने अब तक आपको बहुत ही यहाँ के जो गांव पड़ते हैं, यहाँ के जितने भी दर्शनीय स्थल हैं, उन सबके दर्शन कराए। और सबके दर्शन करते हुए अब हम लास्ट में आ चुके हैं हर्षिल में। हर्षिल वो जगह है जहाँ पर आपको सेना अपने पूरे साजो सामान के साथ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। यहाँ टैंक से लेकर गोला बारूद सब यहाँ पर हमारी सेना लेकर मौजूद है। चीन यहाँ से कुल 22 किलोमीटर की दूरी पर बॉर्डर पड़ता है, और उनकी जरूरत पड़ती है तो यहाँ से सेना सीधा वहाँ पहुँचती है। चलो, ये तो रही बात हमारी भारतीय सेना की, और अब हम बात करते हैं हर्षिल गांव की, जो अपनी खूबसूरती के लिए पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध। ये देख सकते हैं यहाँ की खूबसूरती में चार चांद लगाने वाली ये नदियाँ, कहती हैं खूबसूरत है ना। आप हर्षिल आएंगे घूमने के लिए, बहुत ही प्यारी प्यारी जगह है यहाँ पर घूमने के लिए। उत्तराखंड का सबसे खूबसूरत क्षेत्र है हर्षिल। और ये देख सकते हैं बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है सुबह सुबह 7 बजे का। सुबह के 7 बजे हैं जब हम यहाँ पर आए थे। और ये अब है मिलिट्री एरिया, यहाँ पर आप वीडियो फोटो लेना सख्त मना है। चल दिए हैं वो पोस्ट ऑफिस देखने जहाँ राम तिरंगा मैले फिल्म की शूटिंग है। अब हम निकल लिए हैं अपने दोस्तों के साथ वो पोस्ट ऑफिस जहाँ पर राम तिरंगा मैले का वो छोटा सा सीन लिया गया था। उसके रास्ते में आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है हर्षिल विलेज वैली का, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है हर्षिल वैली का। यहाँ पर अगर आप एक बार आए, अगर आप गंगोत्री धाम के लिए आते हैं तो यहाँ पर आप जरूर आएं। बहुत ही प्यारी, बहुत ही सुंदर जगह है। और दोस्तों, मेरा ये गंगोत्री रेंज का मेरा ये लास्ट वीडियो है, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं अपनी सभी यात्राओं के वीडियो के लिंक डालने वाला हूँ। आप उन वीडियो को देख सकते हैं जितने भी मैंने वीडियो यहाँ के शूट किए हैं। और ये है वो पोस्ट ऑफिस जिसे हम दिखाने के लिए यहाँ पर आए हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है डाकघर हर्षिल, और 1985 में ये फिल्म बनाई गई थी। और ये वही पोस्ट ऑफिस है जहाँ पर इस फिल्म की। आज भी यह पोस्ट ऑफिस 38 साल बाद जैसा 38 साल पहले था, आज भी आपको ऐसा ही देखने को मिलेगा। थोड़ा बहुत चेंजेस हुआ है जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर रंग। तो ये है वो पोस्ट ऑफिस जहाँ पर राम तिरंगा मैले की शूटिंग हुई थी, डाक बाबू। यहाँ तुर्के बनी हुई है, ये है वो उस फिल्म की एक्टरनी मंदाकिनी, और ये है डाक बाबू। बस थोड़ा सा चेंज हो गया, उस जमाने में थोड़ा ओल्ड था, बस समय के हिसाब से तो टूट फूट हुई है, तो उसको नया बना दिया गया। मेरे को सच्चाई में वो यही पोस्ट ऑफिस है जहाँ राम तिरंगा मैले की शूटिंग हुई थी। तो देखा आपने, 38 साल पहले का डाकघर आज भी आपको ऐसा ही दिखाई देगा, थोड़े बहुत चेंजेस के साथ। अब हम पोस्ट ऑफिस को फिर से दिखा रहे हैं आपको। ये पोस्ट ऑफिस के पास बने हुए कुछ मकान हैं जो उस समय भी बने हुए थे, आज से 40 साल पहले। और यह पोस्ट ऑफिस है, अब हम चलेंगे इसको ऊपर, देखते हैं पोस्ट ऑफिस अंदर से दिखने में कैसा लगता है। ये देखिए, तख्तों से बना हुआ है। कहते हैं ये जो तख्ते हैं ये 38 साल 40 साल मतलब 50 साल हो गए, ये तख्ते आज भी वैसे ही लगे हुए हैं। और इसका लगा हुआ है लॉक, इसमें भी शूटिंग हुई थी उस फिल्म की। और ये है हर्षिल का कुछ सुंदर सा व्यू जो आप देख रहे हैं। यहाँ देख सकते हैं आप पहाड़ों पर बादल आपको ऐसे ही मिलेंगे यहाँ पर झूलते हुए। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हर्षिल, और हम सभी अब निकल लिए हैं उस लोकेशन पर जहाँ पर एक गाना गाया गया था, सुन साहिबा सुन। उस लोकेशन के भी आपको दर्शन कराने वाले हैं हम इसी वीडियो में।
अगर आप भी हर्षिल आते हैं, अगर आप उत्तराखंड आते हैं गंगोत्री धाम दर्शन करने के लिए, तो आप हर्षिल जरूर आएँ। बहुत ही प्यारी, बहुत ही सुंदर जगह है, आपने देखे भी होंगे यहाँ के नज़ारे। तो हम अब जाने वाले उस जगह पर गाया गया था सुन साहिबा सुन, और जहाँ मंदाकिनी राजीव कपूर के माला डालती हैं फेंक कर, उस जगह पर जाने वाले हैं, वो भी अब आपको दिखाने वाले हैं इसी वीडियो में। और ये हैं यहाँ के सुंदर नज़ारे, इनके दर्शन करते हुए, इनका आनंद लेते हुए हम जा रहे हैं दूसरी लोकेशन पर। और ये दोस्तों देख सकते हैं, ये वही लोकेशन है जहाँ पर सुन साहिबा सुन सॉन्ग गाया गया था, यहीं पर शूटिंग हुई थी 40 साल पहले। बताते हैं ये जगह कुछ और थी, पर अब ये कुछ और हो गई। तो दोस्तों हम घूम रहे हैं हर्षिल, जो उत्तराखंड का बहुत ही प्यारा क्षेत्र है, और देख सकते हैं यहाँ की हरियाली। और यहाँ पर इस वक्त हो रही है रिमझिम बारिश, और यहाँ बगल में ही एक शानदार झरना। कहते हैं इस जगह पर पहले इतने पेड़ नहीं थे जब उस वक्त ये शूटिंग हुई थी, मगर अब 38 साल में तो लगा लीजिए आप बहुत पेड़ हो गए यहाँ पर। तो वो जगह घिर चुकी है जहाँ पर वो शूटिंग हुई थी सुन साहिबा सुन। आप देख सकते हैं ये वही गाना है जो इसी जगह पर गाया गया था राजीव कपूर जी के साथ। और अपनी इन सुनहरी यादों को लिए हम यहाँ से अब आपसे लेंगे विदा। फिर मिलेंगे आपसे अब सीधे हम केदारनाथ वीडियो पर। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय शिव शंकर। दोस्तों आपको अच्छे लगे हमारे वीडियो, तो इन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें।